नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये बड़ी खबर है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून पर नोटिस जारी किया है। 59 याचिकाएं दायर की गई थी। जनवरी के दूसरे हफ्ते तक केंद्र सरकार से जवाब मांगा है नागरिकता कानून पर 59 याचिकाएं, और अब सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस नागरिकता कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। वक्त जनवरी के दूसरे हफ्ते तक है। नागरिकता कानून को लेकर 59 याचिकाएं इसके खिलाफ दायर हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। हालांकि अभी कोई स्टे नहीं है, सरकार को, केंद्र सरकार को राहत है, लेकिन जवाब मांगा गया है दूसरे हफ्ते तक। जनवरी के केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कुल 59 याचिकाएं इस मामले में दायर हुई थी और सबका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। हालांकि अभी इस मामले में स्टे नहीं दिया है, यानी कानून जो है ये अभी है बरकरार। नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है जनवरी के दूसरे हफ्ते तक, नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो नागरिकता कानून से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त, जिसको लेकर 59 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है इस पर और नोटिस जारी किया है और जनवरी के दूसरे हफ्ते तक जवाब मांगा है। अरविंद सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है जनवरी के दूसरे हफ्ते तक, क्या क्या बातें कही गई हैं इसमें? कोर्ट में सुनवाई के लिए मामला आते ही तुरंत कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में नोटिस जारी कर रहा है। आज इस मामले को लेकर के आर्गुमेंट नहीं हुआ, चूंकि अभी शीतकालीन अवकाश शुरू होने वाला है और उससे पहले आज आखिरी दिन है, तो कोर्ट में विस्तृत सुनवाई की आज उम्मीद थी भी नहीं। और कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं उन पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जनवरी के दूसरे हफ्ते तक कोर्ट ने कहा है कि सरकार अपना जवाब दाखिल करे। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि इस मामले में कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है। याचिकाकर्ताओं की कोशिश थी कि वो कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त कर सके कि इस मामले में जब तक विस्तृत सुनवाई नहीं होती तब तक स्टे लग जाए, लेकिन कोर्ट की तरफ से फिलहाल कोई स्टे नहीं है। इसका मतलब ये है कि सरकार पूरी तरीके से स्वतंत्र है इस मामले में आगे कानून पर अमल के लेकर के। और जनवरी के दूसरे हफ्ते तक याचिका में जो सवाल उठाए गए हैं, 59 याचिकाएं इस मामले को लेकर के दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि ये जो कानून है ये धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, इस लिहाज से संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का ये उल्लंघन करता है। ये भी कहा गया है कि इस मामले में जो संविधान का जो एक बुनियादी ढांचा है, जो एक सेकुलर फैब्रिक है देश का, उसके खिलाफ ये कानून है और इस पर इसको निरस्त किया जाना चाहिए। याचिका में तमाम सवाल उठाए गए हैं, उस पर अब केंद्र सरकार को जवाब देना है कि आखिर किस तरीके से उस कानून को, बिल्कुल इस कानून को चुनौती दी गई और बताया गया कि संविधान के विरोध में, लेकिन ऐसा लगता है कि तुरंत जो है सुनवाई की जरूरत नहीं सुप्रीम कोर्ट को दिखी और इसलिए जो है अब जनवरी के दूसरे हफ्ते तक जवाब मांगा है। अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया।